जय यीशु। सबका स्वागत है आज की इस आराधना में, प्रार्थना में। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई, मेरी बहन, हम सभी बाइबल में पढ़ते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। नाम कठिन है, लेकिन दानियल की पुस्तक में, दानियल के ग्रंथ में आप पढ़ेंगे शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये तीनों नवयुवक प्रभु पर भय रखने वाले, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले, प्रभु को मानने वाले, प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाले थे। और वहां के राजा ने, आप जानते हैं कि एक मूर्ति बनाई और कहा कि इसको सिजदा करो, इसको दंडवत करो, और जो इसका आदेश नहीं मानेगा उसे क्या करेंगे, आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। और जब इन नवयुवकों को पता चला, इन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी। और राजाज्ञा ये थी कि सभी लोग इस मूर्ति की आराधना करेंगे। उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, और वे राजा के पास लाए गए। और वहां पर राजा ने उनसे सवाल किए कि आप क्यों इसकी आराधना नहीं करते हो। तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमारा केवल एक ही परमेश्वर है और हम उसकी आराधना करेंगे। तो राजा ने कहा कि तुम्हें आग की भट्टी में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर हमारा परमेश्वर सच्चा है तो वह हमें आग की भट्टी से भी बचा सकता है, और अगर वो नहीं भी बचाएगा तो भी राजा ये जान लो कि हम तेरे द्वारा बनाई हुई मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। राजा को क्रोध आया, गुस्सा आया। राजा ने कहा कि जो आग जल रही है उससे 7 गुना ज्यादा आग करो, और 7 गुना तक अधिक आग को बढ़ा दिया गया। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है, कि जो उन नवयुवकों को डालने के लिए गए थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग की भट्टी में डालने के लिए गए थे, उनमें से लोग झुलस गए, आग की चपेट में आ गए, इतनी भयानक आग। लेकिन जब इनको आग की भट्टी में डाला गया तो क्या हुआ, परमेश्वर का दूत इनके बीच में उतर आया। ये प्रभु की स्तुति करने लगे, और बाइबल में लिखा हुआ है उस दूत ने आग की आग में उतर कर एक ठंडी हवा चलाई, आग की लपटों को दूसरी ओर कर दिया। अब राजा दूर से ये देख रहा था, उसने कहा कि क्या हमने 3 लोगों को नहीं डाला। उन्होंने कहा हाँ डाला, 3 लोगों को डाला। राजा ने कहा कि मैं 4 लोगों को देख रहा हूं, मेरे को तो 4 नजर आते हैं, और चौथा जो है स्वर्गदूत जैसा है। और तब राजा ने कहा कि इनको बाहर निकालो। आप जानते हैं उन्हें बाहर निकाला गया। वचन में लिखा हुआ है उनके बाल तक झुलसे नहीं थे, उनके शरीर का एक बाल भी झुलसा नहीं था। जो गंध आती है बाल झुलसने की, उनके शरीर में वो तक नहीं थी। उन्होंने प्रभु की स्तुति की, प्रभु की आराधना की, और प्रभु ने उन्हें बचाया। एक सुंदर गीत गाता हूं मैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो नू बलदी अग विच पाया, बलदी अग विच आप खुदावन उत्तर बन के आया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो नू बलदी अग विच पाया, बलदी अग विच आप खुदावन उत्तर बन के आया। है ना, शद्रक, मेशक, अबेदनगो नू बलदी अग विच पाया, बलदी अग विच आप खुदावंद उत्तर बन के आया। तो प्रभु स्वयं वहां पर आ गया। कब होता है ये, जब दिल से आराधना होती है, ठीक है, दिल से। जब कोई चीज दिल से की जाती है, दिल से पुकारा जाता है प्रभु को, प्रभु उस जगह पर आ जाते हैं। चलिए खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमारे बीच में आ जाओ। सच्चे हृदय से प्रार्थना करना,
उसके वचन में लिखा हुआ है, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। वैसे ही आराधकों को चाहते हैं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आत्मा से, यूं ही नहीं, आत्मा में। लव यू लॉर्ड, लव यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गाएं, यीशु तेरी आराधना को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। रस्सियों को
हालेलुया। जीना तेरे साथ और मरना तेरे साथ है, जीना तेरे मरना तेरे साथ है, जिधर भी देखूं बस तेरा ही जलाल है, जिधर भी देखूं बस तेरा ही जलाल। जीना तेरे साथ और मरना तेरे साथ है, जिधर भी देखूं बस तेरा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना, पानी समुद्रों का तीर
यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है। आत्मा का सानिध्य इस वक्त बह रहा प्यारे भाई प्यारे बहन। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, मुंह खोल के हालेलुया बोले, हालेलुया बोले। स्वर्गदूतों की भाषा, स्वर्ग की भाषा में सम्मिलित हो जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन खुल रहा है, बंधन टूटे यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। सारी शैतान के बदरुओं के लश्कर, तंत्र मंत्र जादू टोने का बंधन टूटे यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 नाम, 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 यीशु 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 नाम। मेरे घर में यीशु नाम, यीशु 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 नाम। मेरे दिल में यीशु नाम, यीशु 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 नाम। मेरे घर में यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम। चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम। जीवन देता यीशु नाम, यीशु छुटकारा देता यीशु।
का यीशु नाम यीशु 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 नाम चंगा करता यीशु नाम यीशु 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 नाम जीवन से वो भरता है यीशु 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 नाम सामर्थ से वो भरता है यीशु 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 नाम उद्धार वो करता है यीशु 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 नाम यीशु सिखाता है यीशु 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 नाम कष्टों को मिटाता है यीशु 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 नाम जीवन हमको देता है यीशु 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 नाम कितना अच्छा यीशु नाम यीशु 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 नाम कितना मीठा यीशु नाम यीशु 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 नाम कितना प्यारा यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु यीशु Hallelujah.
सामर्थवान जीवित प्रभु के सामर्थ्य से, उसके पवित्र वचन के सामर्थ्य से, उसके पवित्र लहू के सामर्थ्य से, उसके वचनों के सामर्थ्य से, पवित्र पांच घावों के सामर्थ्य से मैं इस वक्त शैतानी दुरात्मा शक्तियों पर, बदरूहों के लश्करों पर, तंत्र मंत्र जादू टोने आकाश की शक्तियों पर जो प्रलोभनकारी हैं, दुष्ट शक्तियां हैं, प्रलोभन देती हैं, मनों को विचलित करती हैं, प्रलोभन में डालती हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, उसके पवित्र वचन से वो सारी चीज़ें जो प्रभु के संहिता के और उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इन सारी बातों पर अधिकार लेता हूँ। हर वो चीज़ जो परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर के पवित्र सामर्थी नाम से मैं इन सारी बदरूहों पर अधिकार लेता हूँ। I claim the deliverance and healing in the name of Jesus. I bind every evil activity in the name of Jesus. शैतान की सारी युक्तियों को, सारी चालों और सारे षड्यंत्रों को यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से बांध देता हूँ। आपके घरों को ब्लेस करता हूँ, आपके घरों को पवित्र लहू से बाड़ा करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है एज़ेकियल नबी के ग्रंथ में कि मैं आग की दीवार बनकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। वो आग की दीवार आपके घर के चारों ओर लगने पाए। इस कैंपस को प्रभु के अधिकार में देता हूँ, इस भवन को, इस वेदी को, इस माइक सिस्टम को, इस इंस्ट्रूमेंट को और हमारे सभी सहयोगियों को, भाई संदीप को और जितने भी क्वायर मेंबर्स, जितने भी हमारे मीडिया पर्सनल्स और जो आप सभी लोग लोक धर्मी हैं, आप सबको परमेश्वर के हाथों में देता हूँ। किसी प्रकार की कोई भी दुरात्मा शक्ति, प्रलोभनकारी दुष्ट आत्मा आपको बहकाने ना पाए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यीशु की पवित्र रूह का मसा आप लोगों पर उतरे। Be healed in the name of Jesus. Be anointed in the name of Jesus. यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से मसा हो जाओ, मसा हो जाओ। आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। स्वर्ग द्वार खुल जाए। यीशु के पवित्र नाम से रूह की आग उतरे, रूह की आग उतरे। Right now, wherever you are, अभी और इसी वक्त आपके घर में परमेश्वर का सानिध्य आप लोगों पर उतरे। आपके सामने चिन्ह और चमत्कार होने पाए। परमेश्वर इस वेदी से आप सभी लोगों को आशीष प्रदान करे, अनुग्रह प्रदान करे। यीशु की आत्मा आप लोगों पर अधिकार ले। इसलिए प्रभु के सामने अपने आप को खोल देना, अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल देना, अपने हाथों को प्रभु के सामने खुला छोड़ना, आत्मा की अगुवाई मांगना। वो आत्मा हमें परमेश्वर की ओर ले चले। आपकी आत्मा को, हृदय को, कानों को, मुंह को, नाक को, हर चीज को खोले, जिससे कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, आपके परिवार में काम करने पाए। आइए हम दोनों हाथों को खुला छोड़ते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। आदिशक्ति पराशक्ति पावन आत्मा मेरे दिल में आ जाओ, पावन आत्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावन आत्मा मेरे दिल में आ जाओ, पावन आत्मा। दोनों हाथों को सीने पर लगा। आदिशक्ति पराशक्ति पावन आत्मा मेरे मन में आ जाओ,
चंगा कर दो। आदि शक्ति पराशक्ति पावनात्मा रोगियों को चंगा कर दे। मैं हृदय से उदास हूँ कि मैंने तेरे सीम भलाई का और बड़ाई का अपराध किया है मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ क्योंकि तू है मेरे ईश्वर जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है मेरे पापों से नाराज हो जाता है मैं ये दृढ़ मन करता हूँ तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी नहीं करूँगा पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवित प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो हमारे बीच में है? बोलिए हाँ या ना। क्योंकि प्रभु तो अपने वादे का सच्चा है और वो सत्य प्रतिज्ञ है। उसने कहा कि जहां पर दो या तीन मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। इतना ही नहीं, कहता है कि अगर मेरा नाम लेकर तुम पिता से कुछ भी मांगो तो वह तुम्हें प्रदान करेगा। और प्रभु ये कहता है कि मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे गिरने ना दूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम गिर गए तो पिता का नाम जो है नीचा हो जाएगा। इसलिए प्रभु अपने पिता का नाम नीचा होने नहीं देता और इसलिए वो हमारी रक्षा करता है और हमें ऊंचा उठाता है ताकि हमारे जीवन में उसकी महिमा हो जाए। तो इस वक्त वो अपने वादे के मुताबिक आपके बीच में है, आपकी बातों को जानता है, आपको सुन रहा है। थोड़ी देर के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाना, सारे ठाट बाट को भूल जाना, बस प्रभु की ओर दृष्टि लगाना और आनंदित हो जाना। लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार गिरजाघर जाते हैं, मंदिर जाते हैं और अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, माथा टेक कर चले आते हैं,
सीढ़ियों को हाथ लगाकर चूम के चले आते हैं, तो कोई यहाँ पर आता है और वेदी के सामने सिर झुकाकर चला जाता है और अपने अपने तरीके से प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। प्रभु ये चाहता है कि तुम मेरी उपस्थिति में विश्राम करो। आपको समझ में आया? प्रभु ये कहता है कि तुम मेरी उपस्थिति में विश्राम करो। तुम दुनिया में कहीं भी रहो परंतु तुम मेरी उपस्थिति में रहोगे तो तुम कभी भी हारोगे नहीं। मैं तुम्हें विजय दिलाता जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरी उपस्थिति में नहीं हो तो प्यारे भाइयों और बहनों मैं तुम्हें विजय दिलाने में असमर्थ रहूंगा। यदि तुम मेरे नेटवर्क से बाहर हो तो मैं तुमसे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। इसलिए हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह को, हर एक अभिषिक्त को, हर एक चुने हुए व्यक्ति को जो विश्वास करता है कि परमेश्वर है, जो विश्वास करता है कि परमेश्वर ये काम कर सकता है, जो ये विश्वास करता है कि उसकी उपस्थिति में मुझे आनंद मिलता है, उसे परमेश्वर से क्या करना है? संयुक्त रहना है, उसकी हजूरी में विश्राम करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्यारे भाइयों और बहनों, आप कभी भी विफल नहीं होंगे, आप कभी असफल नहीं होंगे। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए किस तरह से इंतजाम करेगा और आपके लिए एक के बाद एक दरवाजा खुलता जाएगा। इंसान आपके लिए दरवाजे बंद करेगा लेकिन परमेश्वर आपके लिए खिड़कियां खोल देगा। इतना ही नहीं, बाइबल ये कहती है कि वो अपने स्वर्ग के झरोकों को खोलेगा और तुम्हें आशीष से भर देगा और तुम्हारे अन्न जल और भंडारों को वो कहता है आशीष प्रदान करेगा। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपका ये वचन मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। 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 तो आज का विषय प्रभु ने ये दिया और कहा कि मेरे बच्चों से ये कहना कि मैं इन्हें विजय दिलाता हूँ। कहता है मैं इन्हें विजय दिलाता हूँ। अगर कोई युवक या युवती ये कहती है कि पढ़ाई में पहला रैंक मिल गया है और मुझे 100% अंक मिल गए हैं, तो ये उसकी बदौलत नहीं। उस व्यक्ति को ये कहना चाहिए कि कुछ भी हुआ है तो वो परमेश्वर के सामर्थ्य से पूरा हुआ है। क्योंकि याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 1:5 में कि अगर किसी को ज्ञान की कमी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करे और जो ज्ञान और का भंडार उसके पास है वहां से उसे ज्ञान देगा। और वचन हमें बताता, प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ज्ञान की शुरुआत परमेश्वर से होती है क्योंकि सारा सामर्थ्य सारा ज्ञान परमेश्वर का है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाता है तो ये उसकी बदौलत नहीं परंतु परमेश्वर के ज्ञान से वो ऐसा करने में समर्थ होता है। और बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर जिसे चाहता है वह उसे प्रदान करता है, वो जिसे चुनता है उसे अभिषेक करता है, वो जिसे चाहता है उसे वो भरपूर मात्रा में देता है, बशर्ते कि वो व्यक्ति ईश्वर को खुश करने वालों में से बन सके। अब आपको एक उदाहरण देता हूं मैं बाइबल से। राजा सुलेमान के विषय में सुना है? सुना है? नहीं सुना है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? राजा सुलेमान के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है ना, जानते हैं उसके बारे में। दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसे सारे विषयों का ज्ञान था, राजा सुलेमान। बाइबल के इतिहास में हम पढ़ते हैं एकमात्र राजा ऐसा जिसे परमेश्वर ने ज्ञान से भर दिया और वो हर विषय का ज्ञान रखता था, हर विषय की नॉलेज थी। उसके पास कोई भी केस आता था वो उसका समाधान करता था क्योंकि परमेश्वर ने उसे वो समझ दी थी। इतने राजाओं में से केवल एक व्यक्ति राजा सुलेमान को यह ज्ञान प्रदान किया था। क्यों? राजा सुलेमान ने, बाइबल हमें बताती है, गाद नामक पहाड़ी पर
परमेश्वर को 1000 बलिदान अर्पित किए और परमेश्वर उसके बलिदानों से खुश हुआ, उसके अच्छे कामों से खुश हुआ और खुश होकर परमेश्वर ने उससे कहा कि तूने मुझे प्रसन्न किया है, मैं तेरे इन यज्ञों से बलिदानों से प्रसन्न हूं, मांग तो क्या मांगता है। उसने कुछ नहीं मांगा, शान शौकत शोहरत नहीं मांगी, लेकिन उसने कहा कि मैं इस राज्य में सबसे छोटा हूं और मैं तेरी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन कर सकूं, इसलिए मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं तेरी इस प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन कर सकूं। परमेश्वर ने उसे कहा कि ठीक है, तूने कुछ नहीं मांगा, ना सोना ना चांदी ना किसी चीज ऐसी चीज मांगी, ना शोहरत मांगी, तूने बुद्धि मांगी है, ज्ञान मांगा, समझ मांगी है, मैं तुझे ये तो देता हूं, इसके साथ ही मैं तुझे वो सारी चीजें भी देता हूं, इस पूरी दुनिया की धन दौलत। परमेश्वर ने उसकी झोली में डाल दी, प्यारे भाइयों और बहनों, और वचन में लिखा है कि उसके जैसा आज तक धनी व्यक्ति नहीं था। उसकी प्रज्ञा सुनने के लिए दक्षिण की महारानी क्या करती थी, उसकी प्रज्ञा सुनने के लिए आया करती थी। यह परमेश्वर है जो आपको विजय दिलाता है, जो आपके साथ रहता है, जो आपसे वादे करता है और अपने वादों को पूरा करता है, बशर्ते कि हम, मैं और आप उससे कनेक्टेड रहें। अगर प्रभु का भक्त उससे कनेक्टेड है तो उसके द्वारा वो बहुत सारे कामों को कर सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इन दुर्बल इंसानों को इस्तेमाल करता है लोगों को चंगा करने के लिए, अपनी सेवकाई करने के लिए और इस दुनिया में अपनी बातों को पूरा करने के लिए। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, मेरे रुके हुए काम, मेरे रुके हुए काम पूरे हो जाएं, पूरे हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे साथ चलने की, मेरे साथ चलने की, मेरे साथ रहने की, मेरे साथ रहने की कृपा कीजिए, कृपा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दूसरा उदाहरण, जब इजरायली जनता युद्ध कर रही थी और मूसा उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, योशुआ की अगुवाई में वे लोग युद्ध लड़ रहे थे और मूसा एक चट्टान पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहा था, तो जब मूसा के हाथ थक जाते थे तो वो नीचे गिरने लगते थे। जब तक उसके हाथ ऊपर रहते थे, इजरायली अरामियों पर क्या करते थे, विजय हासिल करते जाते थे, लेकिन जैसे ही मूसा के हाथ नीचे आते थे, इजरायली हारने लगते थे। कहने का मतलब यह है कि आपकी विजय, प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी तपस्या में है, आपके त्याग में है। जब तक आप त्याग और तपस्या में ये हाथ ऊंचे उठे रहेंगे, परमेश्वर का ज्ञान, उसका सामर्थ्य आपके द्वारा होकर आपके परिवारों में और इस दुनिया में बहता रहेगा। तो हुआ क्या, हारून के भाई आकर क्या करने लगे, दूसरी ओर बैठकर उन्होंने उसके हाथ के नीचे पत्थरों की टेकनियां लगा दी और उन्होंने क्या किया, मूसा ने अपने दोनों हाथ जो थे उसके ऊपर रख लिए और वो प्रार्थना करने लगा। और वचन कहता है कि जब तक वो प्रार्थना करता रहा, तब तक इजरायली युद्ध जीतते रहे। यही बात परिवारों की है, यही बात माता पिता की है, यही बात विश्वासी की है, यही बात हर एक याजक के जीवन में होनी चाहिए, यही बात एक धर्म संघी के जीवन में होनी चाहिए, आप जिसकी अगुवाई करते हैं। अगर आप अगुआ हैं, अगर आप मुखिया हैं, अगर आप किसी की अगुवाई करते हैं, अगर आप किसी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपको नेतृत्व करने की, अगुवाई करने की क्षमता, आपको सेवा करने का सामर्थ्य वो परमेश्वर देता है, क्योंकि आप और मैं अपने आप में कुछ नहीं है। जब तक परमेश्वर इन हाथ पैरों में बल ना दे, आप खड़े नहीं रह सकते हैं। जब तक परमेश्वर ये सामर्थ ना दे,
हम खड़े नहीं रह सकते। एक सुंदर वचन मैं बताऊंगा आपको, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 31 में, अगर किसी के पास बाइबल है तो वो खोल ले और इस वचन को पढ़े। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 31 में हम पढ़ते हैं कि घुड़सवार युद्ध के लिए तैयारी करता है। क्या करता है? घुड़सवार युद्ध के लिए तैयारी करता है, लेकिन होता क्या है? सुनिए ध्यान से, घुड़सवार सेना युद्ध के दिन के लिए तैयार की जाती है, किंतु विजय प्रभु के हाथ में है। घुड़सवार सेना युद्ध के दिन के लिए तैयार की जाती है, किंतु विजय प्रभु के हाथ में है। इसलिए संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों को लिखते हुए अध्याय 15 में, पहले पत्र में अध्याय 15 पद संख्या 57 में, कि ईश्वर का धन्यवाद जो ईसा मसीह के द्वारा आपको विजय प्रदान करता है। बोलिए आमेन। आमेन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। घुड़सवार युद्ध के लिए तैयार होता है, घुड़सवार युद्ध के लिए तैयार होता है, पर विजय प्रभु के हाथ में है, पर विजय प्रभु के हाथ में संत है। पौलुस कहता है, संत पौलुस कहता है, ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, जो ईसा मसीह के द्वारा हमें विजय प्रदान करता है, हमें विजय प्रदान करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो विश्वासियों को ये आज अपने जीवन में वचन ग्रहण करने की जरूरत है कि आपकी विजय, आपकी सफलता, आपकी उन्नति, आपके बच्चों की उन्नति प्रभु के हाथ में है। आप तमाम तैयारी कर लीजिए, तमाम पैसा खर्च कर लीजिए वीजा लगवाने के लिए, लेकिन अगर प्रभु उस योजना को सफल ना करे तो वह नहीं होगी। जगह जगह नौकरी ढूंढ लीजिए, अगर प्रभु नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। कितनी लड़कियां देख लो, कितने लड़के देख लो, सब टूट जाएंगे, लेकिन जिस दिन प्रभु चाहेगा, जहां वो चाहेगा वहीं तेरा कल्याण होगा। ये वचन मेरा नहीं है, पवित्र शास्त्र का वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, और इसको ग्रहण करना और ले जाना अपने साथ में और प्रभु पर भरोसा करना। इसलिए बाइबल कहती है कि तू अपनी बुद्धि, अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति पर भरोसा मत कर, अपने शरीर के बल पर भरोसा मत कर, क्योंकि ये तो फूल के समान है, घास के समान है, जो सुबह को खिलता है दोपहर को ताप लगने से मुरझा जाता है, ये तो मिट्टी का पुतला है। अगर तू विश्वास करना चाहता है तो उस परम प्रधान परमात्मा, अगम्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी ईश्वर पर, जो हर जगह विद्यमान है, उस पर विश्वास कर, उसके सामर्थ्य पर विश्वास कर, और वो तुझे विजय दिलाएगा। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं ये वचन ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। इस वचन के द्वारा मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए। हालेलुया हालेलुया। तो दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 17, सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 17, लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा, तुम वहीं खड़े रहोगे और तब तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलम की को विजय देता है। तुम मत डरो और भयभीत ना हो, कल तुम्हें उनके विरुद्ध कुछ करना है और प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। इसराइलियों को जब प्रभु मरुभूमि से लेकर जा रहा था मूसा के नेतृत्व में, उन्हें बहुत सारे कष्ट उनके सामने आए, इसराइल को बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े अपने दुश्मनों के खिलाफ, कई बार उसके ऊपर आक्रमण हुआ। क्योंकि परमेश्वर ने इसराइल को चुना था, क्योंकि वो उनको प्यार करता था, इसलिए वो उनके साथ साए के जैसे रहता था, परछाई के जैसे रहता था, और उन्हें बार बार यही ढारस बंधाता था। सुनिए क्या लिखा है कि लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा, तुम वहीं पर खड़े रहोगे और तब तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलम को विजय देता है। तुम मत डरो, भयभीत ना हो, कल तुम्हें उनके विरुद्ध कुछ करना है और प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। कभी आपने विश्वास किया कि प्रभु मेरे साथ रहता है? कभी आपने विश्वास किया? इसलिए जब बच्चे प्रार्थना के लिए आते हैं और कहते हैं, या स्टूडेंट्स को जब हम सेमिनार देते हैं, कहते हैं फादर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे एग्जाम होने वाले हैं,
प्यारे भाई प्यारी बहन, अगर आप प्रभु यीशु को साथ लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि प्रभु ये मैं नहीं परंतु ये ज्ञान आप मुझे प्रदान करें, आप मेरा हाथ पकड़कर मेरा एग्जाम लिखने की कृपा करें और मुझे उस ज्ञान से आप भरपूर करें, मुझे स्मरण शक्ति का आत्मा प्रदान करें। वैसे तो सब लोग मेहनत करते हैं लेकिन कई लोग नर्वस हो जाते हैं और एग्जाम हॉल में सब कुछ भूल जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे समय में प्रभु को याद करना और वो आपके साथ रहता है। यू गेट कनेक्टेड टू हिम, उसकी रेंज में रहना। कभी कभी हम रेंज में रहकर भी क्या करते हैं, कनेक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा वाला बटन जो है ऑफ रहता है। बस यही समस्या है, ऑफ रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कभी कभी रेंज में रहने के बाद भी हम कनेक्ट नहीं होते हैं, तो परमेश्वर से हमें संयुक्त होने की आवश्यकता है। और क्यों है? क्योंकि विजय दिलाना, उन्नति दिलाना, आत्मिक उन्नति देना, यह परमेश्वर का काम है। धन संपत्ति पर आशीर्वाद देना यह प्रभु का काम है। घर के आटा गूंदने की परात को आशीर्वाद देना यह प्रभु का काम है। कई बार मुझे फोन कॉल्स मिलते हैं जब आप ये कहते हैं कि आपकी आटा गूंदने की परात को आशीष मिले, आशीर्वाद मिले, तो हमारा दिल गदगद हो जाता है और ऐसा लगता है वास्तव में हमारी आटा गूंदने की परात में प्रभु ने आशीष दे दिया है। इसी तरह से खेत में बीज बोते समय किसान प्यारे भाइयों और बहनों उस बीज को परमेश्वर के नाम पर बोए, क्योंकि अंकुरों को आशीर्वाद देने वाला किसान नहीं है, परमेश्वर है जिसने ये पूरी दुनिया को बनाया है। दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति जब वो अपनी कलम चलाता है न्याय देने के लिए किसी के पक्ष में या विरुद्ध में, तो उस वक्त परमेश्वर को साक्षी मानकर अपनी कलम चलाना। जज जब कोई निर्णय देता है तो उस वक्त परमेश्वर को साक्षी मानकर वह निर्णय दे। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इस दुनिया में न्याय की व्यवस्था कायम हो जाएगी। इतने कोर्ट कचहरियों में आपके केसेस पड़े नहीं रहेंगे जो आप चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, घूस देते देते थक चुके हैं और आपको लूटने का ठेका ले रखा है लोगों ने। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। समझिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर में इतना सामर्थ है कि वो इन तमाम लोगों के हृदयों को बदल सकता है। आप करके देखना, परमेश्वर को साथ लेके देखना। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपकी उन्नति, आपकी चंगाई, आपकी सफलता, आपकी आशीष आपसे इतनी दूर है जितनी दूर जमीन से आपके घुटने हैं। आपकी आशीष, आपकी उन्नति, आपकी चंगाई, आपकी नौकरी, आपके अच्छे काम, आपकी अच्छी संतति को आशीर्वाद आपसे इतनी दूर है जितनी दूर जमीन से आपके घुटने हैं। घुटनों पर आ जाना, हाथों को उठा लेना। भोर के समय में शोक गीत अध्याय 2:19 कहता है कि सुबह को उठकर, भोर को उठकर चिल्लाना, चिल्लाना प्रभु से, अब प्रभु के सामने अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए गिड़गिड़ाना, क्योंकि आपकी संतानें मूर्छित पड़ी हुई हैं, आपकी संतानें मूर्छित पड़ी हुई हैं, वो भटक चुकी हैं, शैतान उन्हें बहका चुका है। उनकी प्राण रक्षा के लिए प्रभु के सामने प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है कि प्रभु के सामने दुहाई देना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे विजय दिलाते हैं, आप मुझे विजय दिलाते हैं आज के इस पवित्र दिन में, आज के इस पवित्र दिन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार, मेरे जीवन में, मेरे जीवन, मेरे कामकाज में, मेरे कामकाज, आशीष आ जाए, आशीष, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से अगला वचन क्या कहता है। स्रोत संख्या 44:4 कहता है, क्योंकि वे अपनी तलवार के बल देश के अधिकारी नहीं बने, वे अपने बाहुबल से विजयी नहीं हुए, बल्कि वह तेरे दाहिने हाथ, तेरे बाहुबल और तेरी कृपा दृष्टि का परिणाम था, क्योंकि तू उनको प्यार करता था, क्योंकि तू उनको प्यार करता था। स्रोतकार कहता है कि कोई भी व्यक्ति
अपनी तलवार के बलबूते पर विजयी नहीं हुआ, या उसने अपने बाहुबल से विजय नहीं पाई, परंतु तू उसे प्यार करता था, इसलिए तेरी कृपा से वो क्या हो गया, विजयी हो गया। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, तू ही याकूब को अर्थात इज़राइल को विजय दिलाता है। वो आपको विजय दिलाता है, विश्वासियों को विजय दिलाता है, जो उसकी शरण जाते हैं वो उनके साथ रहता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि मैं गाते बजाते हुए, वीणा बजाते हुए मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा और मैं तेरी महिमा गाऊंगा। ये आज का वचन प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये विजय प्रभु यीशु हमें कैसे दिलाता है, हमें सोचने की आवश्यकता है कि ये विजय उसने कैसे हासिल की है। ये विजय उसने क्रूस के काठ पर चढ़कर, मृत्यु को हराकर, अपने दुश्मनों को क्षमा करके उसने वो विजय प्राप्त की है। और वही विजय वो हमारे ऊपर उड़ेल देता है और उस विजय से हमें आजाद करता है, हमें मुक्ति दिलाता है, हमें विजयी दिलाता है। बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए गलातियों के पत्र, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20, प्रभु का वचन ये कहता है कि मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। इसलिए आज से आप ये कहना छोड़ दीजिए कि ये जो घर बनाया है मैंने बनाया, ये गाड़ी जो खरीदी है ये मैंने खरीदी है, ये मेरी गाड़ी है। मेरा मेरा करते करते इंसान इस दुनिया से चला गया, कभी उसका कुछ हुआ नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, अपना अपना करते करते इंसान जो है इस प्रभु को भूल चुका है। आज के बाद ये कहना कि मेरे घर में जो कुछ है ये सब उसका दिया हुआ है। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे ना, उस दिन प्यारे भाइयों और बहनों, आपके घर में प्रभु सोने चांदी प्रेम शोहरत के इतने ढेर लगा देगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब हम ये कहना शुरू करते हैं कि ये मेरा नहीं ये उसका है, हम विनम्रता की श्रेणी में आ जाते हैं, अहंकार खत्म होने लगता है, मैं की भावना चली जाती है और हम छोटे बनने लगते हैं। परमेश्वर की हजूरी में आकर छोटे बनने का अर्थ यही है कि हे पिता, हे परमेश्वर, आज मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे खेत खलियान, मेरी छोटी सी गाड़ी या बैलगाड़ी हो, कुछ भी हो, साइकिल हो, हे परमेश्वर धन्यवाद, ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है। अब से मुझ में मैं नहीं बल्कि वो जिंदा है और उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल प्रदान करता है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलिए आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में आपकी मर्जी पूरी हो जाए, आपकी मर्जी पूरी हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वो प्रभु आपसे ये कहता है, जिसके अधिकार में सब कुछ, जो विजय दिलाता है, कि आप अपने परिवारों को प्रभु को समर्पित करें, इन हाथों को उठाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु के हाथ में शून्य को 100 में बदलने की ताकत है। प्रभु के पास इतना सामर्थ्य है कि वो कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है। अगर किसी की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो लाचार है, बहुत ज्यादा गरीब है और बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया है, अब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो विश्वास करना और प्रभु के दिन के लिए इंतजार करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यूं ही नहीं, परंतु बाइबल हमें बताती है, जो प्रमाण बाइबल हमें देती है
उनके जरिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपके घर में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे उसने अय्यूब से कहा कि तू अपने धन संपत्ति को धूल का ढेर समझ और देख मैं तेरे घर में सोने चांदी के ढेर लगा दूंगा। कहता है कि तू अपने धन को क्या समझ, धूल का ढेर समझ। तू ये मत कहे कि मेरे पास सोना है, चांदी है, धन है, संपत्ति है, मुझे तो किसी बात की कमी नहीं, मैं तो खा पी सकता हूं, ऐश कर सकता हूं। बाइबल जानते हैं क्या कहती है, ईश्वर का वरदान क्या है? ईश्वर का वरदान है जब तक आप खा पी सकते हैं, वो ईश्वर का वरदान है। जो इंसान खा पी सकता है, सबसे बड़ा वरदान है प्यारे भाइयों और बहनों। कभी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो हम खा पी नहीं सकते हैं, वो दिन बड़े कष्टदायी होते हैं, आपका मन करता है खाने को लेकिन आप खा नहीं सकते हैं। और बाइबल क्या कहती, जब तक व्यक्ति खा पी सकता है तब तक सबसे बड़ा वरदान उसके लिए वो है, कोई और वरदान नहीं है। जब तक आपकी सांसें चलती हैं तब तक आपके लिए, एक पहलवान के लिए जब तक उसकी उम्र होती है तो बड़ा लंबा चौड़ा सीना निकाल के घूमता फिरता है, बाइसेप्स दिखाएगा, ये दिखाएगा, आजकल के जो फैशन है। प्रभु क्या कहता है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जब तक तू खा पी सकता है ना तब तक ठीक है, एक दिन आएगा जब तू खाने के लिए तरसेगा। इसलिए प्रभु कहता है सावधान, सावधान, वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठा ले। तू जमाने के इन सारी चीजों को, चिन्ह को देख कर तू समझ जा कि आगे क्या होने वाला है, क्या बीतने वाला है। कोई भी व्यक्ति अपने आप पर अहंकार ना करे, घमंड ना करे, परंतु ये कहे कि आज से मेरे घर में जो कुछ भी है परमेश्वर का दिया हुआ है और मैं उसकी बदौलत आज यहां पर पहुंचा हूं। एक नास्तिक को भी ईश्वर में विश्वास करना होगा एक ना एक दिन। एक व्यक्ति था और वो कहने लगा, क्या फायदा ये सब सुनने से, समझने से, क्योंकि यीशु मसीह तो आकर चले गए, जैसा उनके जमाने में था आज भी वैसा ही है, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है। जैसे यीशु मसीह के जमाने में लोग रहते थे, आज तो उससे भी ज्यादा खराब रहते हैं। वो व्यक्ति विश्वास नहीं करता था। दूसरे व्यक्ति ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, भाई साहब इस दुनिया में अनेक प्रकार के महंगे महंगे साबुन मिलते हैं, अगर आप दुकान पर जाओगे तो आप वहां से अच्छे अच्छे साबुन खरीद के ले आ सकते हो और आप उनसे स्नान कर सकते हो। इतने साबुन होने के बावजूद भी फिर भी लोग गंदे क्यों रहते हैं, फिर भी लोग गंदे क्यों रहते हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते, उसे अपने जीवन में धारण नहीं करते, उसे आत्मसात नहीं करते, आपके जीवन में वो चीज कुछ भी बदलाव नहीं ला सकती, कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। यीशु मसीह आया, बाइबल कहती जितनों ने उसको स्वीकार किया, जितनों ने उसको छुआ, जितनों ने उसको सुना, जितनों ने उसको अपनाया, उनको क्या मिला, उद्धार मिला, मुक्ति मिली, उनके घर अच्छे हो गए और वो चंगे हो गए। लेकिन जिन्होंने उसे नहीं अपनाया वो वैसे के वैसे ही रह गए, ठीक वैसे ही साबुन दुकानों में रखे हैं वो पड़े हुए, कोई जाता है खरीद कर ले आता है, नहा लेता है, साफ हो जाता है, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता है तो वहीं रहता है। तो साबुन तो दुकान में ही रखा ही रहेगा ना। वही आज हम लोगों की भी दशा है कि हमें प्रभु के इस वचन को ना केवल खाने की जरूरत है, इसे डाइजेस्ट करने की जरूरत है। खाते तो सब है लेकिन पचा नहीं पाते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होता है। अभी आप सुन के जाएंगे, इस चार दीवारी से निकलेंगे और फिर से वही काम करेंगे, फिर से आप वही काम करेंगे। पिछले दिनों एक भाई कह रहा था, फादर जी क्या फायदा, हम लोग चर्च से बाहर निकलते हैं और फिर से वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर से वही मुंह गंदा हो जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जरा कोशिश करिए सोचने की कि जिस मुंह से आप प्रभु का नाम लेते हैं उसी से
गाली गलौज करते हैं, उसी से लोगों को काटने वाली भाषा बोलते हैं, उसी से दिन भर आप मुंह गंदा करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं, ऐसी भक्ति ऐसी धार्मिकता से क्या फायदा है? ऐसी भक्ति और ऐसी धार्मिकता से क्या फायदा है? जिस जुबान से हम परमेश्वर की हजूरी में आकर उसकी महिमा करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, इस जुबान से प्यारे भाइयों और बहनों दूसरों के लिए आशीर्वाद निकलना चाहिए। आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, गाली देंगे तो गाली मिलेगी, किसी पर दोष लगाएंगे तो कल तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा, आज किसी का छीनेंगे तो कल तुम्हारा भी कोई ना कोई छीन कर ले जाएगा, किसी से ईर्ष्या करेंगे तो आपसे भी कोई ना कोई ईर्ष्या अवश्य करेगा, जल्दी नहीं तो बहुत जल्दी, बहुत थोड़े समय में ही ऐसा हो जाएगा प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि तुम मेरी उपस्थिति में विश्राम करो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से विनम्र हूं, मैं तुम्हें विजय दिलाता हूं, मेरा दाहिना हाथ तुम्हें विजय दिलाता है और मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हारी रक्षा करता हूं। याकूब के ग्रंथ अध्याय 1:5 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर खुले हाथों खुशी खुशी सब कुछ देता है। बोलिए आमेन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर खुले हाथों, ईश्वर खुले हाथों और खुशी से, और खुशी से सबों को देता है, सबों को देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें देता है, अच्छी चीजें देता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम विश्वास करते हो, यदि तुम विश्वास करते हो, प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है कि मैं पिता में हूँ, कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और पिता मुझ में है, मेरी शिक्षा, मेरी शिक्षा मेरी अपनी नहीं, मेरी अपनी नहीं बल्कि उसकी है, बल्कि उसकी जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है। यदि मुझ में विश्वास करोगे, यदि मुझ में विश्वास करोगे तो तुम वह स्वयं कार्य करोगे, तो तुम स्वयं वे कार्य करोगे जो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ। तुम मुझसे भी महान काम करोगे, मुझसे भी महान काम करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर जो खुले हाथों देता और सबों को देता है, कहता है कि और तुम ये विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, तो तुम वो काम करोगे, मुझसे भी महान काम करोगे, कहता है। ये उसका वादा है। शायद हम असमर्थ हो जाते हैं इन सारी बातों को विश्वास करने में, और हम अपनी ही बातों में प्यारे भाइयों और बहनों फंस जाते हैं, अपने ही जाल में हम फंस जाते हैं, अपने ही बुनी हुई बातों में, अपनी ही बातों में हम फंस जाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मसीह को जानूं, उसके क्रूस को पहचानूं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है। इस संसार की तुलना में मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मसीह को जानना, उसकी शिक्षा को जानना। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग जो यहां पर आए हैं चंगाई लेने के लिए आए हैं, मैं जानता हूं कि आप चंगाई की खोज में आए हैं। जिस तरह से एक डॉक्टर आपसे प्यारे भाइयों और बहनों कहता है, ये लो गोलियां 3-4, ये सुबह खाना, शाम को खाना, दोपहर को खा लेना, और 3 दिन खाना, 3 दिन के बाद दिखाना, 3 दिन के बाद वो जाता ही नहीं दिखाने के लिए क्योंकि वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करता। प्रभु भी तो यही कह रहा है आपसे, प्रभु भी तो यही कह रहा है, परंतु आप विश्वास नहीं करते। डॉक्टर पर आपको विश्वास है, डॉक्टर पर आपको विश्वास है और आप वो गोली खा लेते हैं। यहां पर भी तो प्रभु अपना वचन दे रहा है आपको और कह रहा है, आपको वचन खिला रहा, आपकी आत्मा का भोजन आपको वो दे रहा है। विश्वास कर तू महिमा देखेगा, मुझ में विश्वास कर तो मुझसे भी महान और बड़े बड़े काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विश्वास करना तो आपके जीवन में चिन्ह प्रकट होंगे, चमत्कार होंगे प्यारे भाइयों और बहनों। और संत पौलुस कहता है फिलिपियों को अध्याय 3:10 में, मैं चाहता हूं कि मैं मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का मैं सहभागी बन जाऊं। पौलुस ने प्रभु यीशु को जाना, उसने अनुभव किया। जब उसने अनुभव किया तो उसके शरीर में बड़ा कष्ट था, जब वो सह रहा था तो पौलुस प्यारे भाइयों और बहनों कहने लगता है कि प्रभु
ये जो मेरे शरीर में कांटा चुभा हुआ है, मैं कितना चाहता हूँ कि ये निकल जाए, मैं कितना चाहता हूँ कि ये दुख मुझसे दूर हो जाए, लेकिन मैं जानता हूँ कि तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है और उस कृपा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि तू मुझ में जीवित रहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में भाग लेंगे। आने वाला 1 से 1.5 घंटा प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की हजूरी में अपने बंधनों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आपको और आपकी संतानों को, आपके बच्चों को आशीष प्रदान करें। और याद रखें कि परमेश्वर आपको विजय दिलाता है, आपकी उन्नति परमेश्वर के हाथ में है, आपकी सफलता परमेश्वर के हाथ में, आपकी बेटी के लिए अच्छा वर का इंतजाम प्रभु के हाथ में है। कनेक्ट हो जाना, बस उससे संयुक्त हो जाना, उसके नेटवर्क में आ जाना और अपने आप को कनेक्ट कर लेना और वचन के अनुसार चलना, डिवाइन हेल्पर्स की खोज में रहना। वो आपकी अगुवाई करेंगे, स्वर्गदूत आपके आगे आगे चलेंगे। वो कहता मैं इनके तुम्हारे आगे भेजूंगा, वो रास्ते में यात्रा के समय तुम्हें संरक्षण प्रदान करेंगे और वो तुम्हें बताएंगे। तोबित के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से तोबित को रफाएल दूत मार्गदर्शन करता रहा और बताता रहा, इसी तरह से वो आपके जीवन में भी काम करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएं और इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ Oh,
यीशु के सामर्थ्य नाम से तुझे आदेश देता हूं, तू इस वक्त इन शरीरों को छोड़कर निकल और क्रूस के नीचे बन जा। बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से रक्त स्राव की दुष्ट आत्मा आपके शरीर से निकलकर क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। आमीन। खाए पिलाए की दुष्ट आत्मा यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से इस वक्त आपके शरीर से निकले और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ाओ, और सूखे हाथ वाले ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। प्यारे भाई प्यारी बहन, अपना हाथ बढ़ा देना। आपको जो भी समस्या है, चिंता है, प्रभु के सामने समर्पित हो जाना। प्रभु के पास हर एक चीज का इलाज है, क्योंकि उसे हमारे भाग्य पर, हमारे जीवन पर और मृत्यु पर अधिकार है। आपकी संतानों पर, आपके बच्चों पर, आपके भविष्य पर, आपके वर्तमान पर, वो आपके भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। वो कहता है मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, यदि तुम विश्वास करो तो मेरी महिमा देखोगे। प्यारे भाई प्यारी बहन, बहुत से लोग जो अविश्वास के कारण मर चुके हैं और मर रहे हैं, प्रभु के पास लौट के चले आना। ये आपकी चंगाई का समय है, बंधन टूट रहे हैं। कोई है जिसे प्रभु इस वक्त खाए पिलाए की दुष्ट आत्मा से आजाद कर रहे हैं। Be healed in the name of Jesus. Be cleansed in the name of Jesus. यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। Be healed, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ बचपन के पापों से,
प्रीनेटल एक्सपीरियंस, हर प्रकार के जो पुराने पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या से आजाद करता है यीशु मसीह, आपको आजाद करता है, वो आपको विजय दिलाता है, आपके बच्चों को विजय दिलाता है। समर्पित होते जाना प्यारे भाई प्यारी बहन, कैंसर की दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़कर इस वक्त निकले। फादर वॉल्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु तेरा लहू तेरे दास की उस जगह पर पैनक्रियास पर लगाता हूँ, उसे चंगाई और छुटकारा प्रदान कर। तूने हिजकिया को 15 वर्ष का जीवन और दिया, तू अपने इस दास को संपूर्ण चंगाई प्रदान कर। उस डॉक्टर को जो इलाज करते हैं उसको तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु, उन औषधियों को जो ग्रहण कर रहे हैं उन्हें तेरे हाथों में देता हूँ। ऐसे तमाम लोग जो अस्पतालों में रोग शैया पर हैं प्रभु, जो इलाज करा रहे हैं, जो लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, इस वक्त प्रभु उन पर दया कर कर, जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु, हे प्रभु उन तमाम लोगों को जो लकवे से, रसौलियों से, गर्भ के बंधन से, हृदय के रोग से, लीवर के कैंसर से, लीवर के इन्फेक्शन से, स्किन के इन्फेक्शन से, सफेद दागों, लिकोरिया, रक्तस्राव, पेट की बीमारियां, गैस्ट्राइटिस और प्रभु ब्रेन ट्यूमर जैसी, सर्वाइकल जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, हे प्रभु दया कर। वेरिकोसिस वेन से जो पीड़ित हैं, इनकी नसों में तेरा पवित्र लहू बहने दे। जो प्रभु इस वक्त आंसू बहा रहे, प्रार्थना कर रहे, तुझसे कनेक्ट हो चुके हैं, प्रायश्चित कर रहे, इन्हें चंगाई प्रदान कर, बोले आमेन आमेन। संतानहीन दंपतियों के गर्भ को प्रभु शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, जिनके शरीर में शुक्राणुओं की कमी, तेरा पवित्र लहू बहने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। अब प्रभु आपके बंधन तोड़ता जाएगा, हर प्रकार का बंधन आपके शरीर से, आपके जीवन से, जो पुराने समय से चला आया है, धागे, ताबीज, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, व्यभिचार, कौटुंबिक व्यभिचार, अश्लीलता, पराय धन का लालच, पराई स्त्री की कामना, ईर्ष्या, द्वेष, विद्वेष, लंपटता, हर प्रकार की बुराई आज प्रभु के सामने कबूल करना और त्याग देना और कहना कि प्रभु मैं आपका बेटा हूँ, प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे विजय दिलाते हैं, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे रोगों को चंगा कर, मेरे शरीर को छू ले, स्पर्श कर दे, मेरी हड्डियाँ छीज रही हैं, मैं अपने दुखों के कारण कराह रहा हूँ, मुझ पर दया कर। अपने दोनों हाथों को सिर पे लगा लेना, अगर किसी को सिर दर्द हो रहा है इस वक्त, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, यीशु के पवित्र नाम से सिर दर्द की दुष्ट आत्मा, सर्वाइकल की दुष्ट आत्मा, ब्रेन ट्यूमर की दुष्ट आत्मा, यीशु के सामर्थी नाम से आदेश देता हूँ राइट नाउ, इसी वक्त आपके शरीर को छोड़कर क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। Healed and cleansed in the name of Jesus. रूकी आग उतरे, सिर से लेकर पांव तक आपको अपने पवित्र लहू से, वो आग से मसा करे, शुद्ध करे, पवित्र करे। अपनी
बहुत सारे लोगों को प्रभु छू रहा है। करंट के समान कोई चीज आपके शरीर में दौड़ रही है, एक गर्म एहसास आपके शरीर में आपको हो रहा है। बहुतों को इस वक्त पसीना आ रहा है, बहुत सारे लोगों को शरीर में झंझनाहट हो रही है, बहुत सारे लोगों को शरीर में अचानक झटका महसूस हुआ होगा। ये प्रभु का स्पर्श है, महसूस करते जाना, रिसीव करते जाना अनॉइंटिंग। मैनी ऑफ यू आर बीइंग हील्ड फ्रॉम ऑल द इन्फर्मिटीज, लाइलाज बीमारियों से प्रभु आपको आजाद कर रहा है। कोई है जो फेफड़े के इन्फेक्शन से पीड़ित है, प्रभु यीशु आपको आजाद करता है फेफड़ों के इन्फेक्शन से। यीशु का ये पवित्र लहू अपने शरीर पर लगाना और अपने आप को चंगा महसूस करना और फिर प्रभु का धन्यवाद करना। यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से जितने भी लोग इस वक्त रोग शैया पर हैं, लकवे से पीड़ित हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आपको ब्लेस करता हूं। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त मैं आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करूंगा, विश्वास करना कि प्रभु का वो सामर्थ जो उसके अंदर से निकला जब रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने उसका पल्ला छुआ और यीशु ने महसूस किया कि उसके अंदर से एक शक्ति निकली है जिसके द्वारा रक्तस्राव पीड़िता चंगी हो गई है, वैसे ही आप भी इस वक्त जब ले हैंड प्रेयर होती है तो महसूस करना कि प्रभु ने आपको छुआ है, स्पर्श किया है। आपके शरीर में जहाँ कहीं भी बीमारी है, रोग है, चिंता है, कोई भी कमी घटी है, समर्पित करना और स्वीकार करना, अंगीकार करना, जैसे रक्तस्राव पीड़िता ने अंगीकार किया और विश्वास किया कि वो चंगी हो गई है। यू विल बी हील्ड, आप चंगे हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। आत्मा मंडरा था, पवित्र आत्मा मंडरा था, आत्मा मंडरा था, पवित्र आत्मा मंडरा था, आत्मा मंडरा था, पेंतेकोस्त के दिन समा आत्मा मंडरा था,
Oh,
प्रार्थना करें, आंखें बंद रखें, प्रार्थना करें। प्रभु मेरे हालातों को बदलिए, मेरे शरीर के हालातों को बदलिए, मेरी आत्मा में उतर आई प्रभु जी, मेरे हालातों को बदलिए, मेरा जीवन बदले, मेरा तन मन बदले, मेरा सब कुछ बदल दे यीशु। प्रार्थना करें, मेरा घर बदलो यीशु, मेरे बच्चों को बदलो, मेरे पति को बदलो, मेरी पत्नी को बदलो। प्रार्थना करें, यदि आपका पति शराबी है, शराबी पति के लिए प्रार्थना करें। आपके बच्चे सुनते नहीं है, गलत संगति में, गलत रास्ते पर हैं, वासना या नशे में है, प्रार्थना करें उनके लिए इस समय। यीशु उनको बदलिए, यीशु बदलिए। प्रभु यीशु ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। कहें प्रभु जी तूने कहा मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सब कुछ नया बनाइए, और पुरानी बातों को तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें यीशु। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। लिया बाबा शेखे दिविंदा लाला बाबा बा होस महान दारा खाश बेहे लेप्रो सोंदाला महा शिखेरे बेहे प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यीशु ने कहा मैं सब कुछ नया बना देता हूं, आपके जीवन में जो पुराना है यीशु से नया बनाने के लिए समय तैयार है, यीशु नया बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया, यीशु के करीब आइए। यीशु के करीब आइए, प्रार्थना करें। यीशु के करीब आइए, प्रार्थना करें। आंखें बंद रखें, प्रभु की आवाज सुने। प्रभु ने कहा जो मेरे पास आता मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। लौट आ, 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 लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा।
बेटे घर लौट आ, आ बेटे घर लौट आ, आ बेटे घर लौट आ, आ बेटे घर लौट आ। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आ जा घर लौट आ, आ बेटे घर लौट आ, तू आ जा घर लौट आ, आ बेटे घर लौट आ। अपनी आंखें बंद रखें, अपने हाथों को खोलें, प्रभु आपको लौटने के लिए बुलाते हैं। प्रभु आज आपको आवाज दे रहे हैं, ऐ बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट लौट लौट। ऐ बेटे लौट। आदम छुप कर बैठा हुआ था, प्रभु ईश्वर ने उसे आवाज दी, आदम तुम कहां हो? वही ईश्वर आज हमें आवाज देकर पूछ रहा, आपका नाम ले लेकर पूछ रहा, तुम कहां हो? नशे में, व्यभिचार में,
चोरी झूठ लालच फोन अश्लीलता बुरी संगति में हो, ओ वो दयालु पिता आज आपको आवाज देकर पूछ रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी तुम कहाँ हो, वेर आर यू, तुम कहाँ हो। वचन में प्रभु कहते हैं मानव पुत्र जो खो गया था उसे ढूंढने और बचाने आता है। यीशु आपके करीब आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु आकर चले जाए और आप उसके पास लौट कर ना आए। प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आता हूं प्रभु, लॉर्ड आई कम टू यू, मैं तेरे पास आता हूं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यीशु ने कहा जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, कभी नहीं। इस समय प्रभु के सामने सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, जल्दी 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 जल्दी, और प्रभु के करीब आओ। अपने हाथों को खोले, आंखें बंद रखे, प्रभु आपको आवाज दे रहे हैं, लौटा लौटा मेरे भाई, लौटा मेरी बहन। अपने हाथों को यीशु की ओर बढ़ाई, बढ़ा दो यीशु की ओर अपने हाथों। आज प्रभु की आवाज को आप सुने और जवाब दें। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो कहता है ये उपयुक्त समय है आप ईश्वर से मेल कर ले, ये उपयुक्त समय है आप ईश्वर से मेल कर ले, वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाएं, इस वेदी के ऊपर देखें, इस परम प्रसाद की ओर देखें, इस रोटी की ओर देखें जहां पर प्रभु यीशु विराजमान है और आपको स्पर्श करता है, चंगाई प्रदान कर रहा है, उसकी दया की किरणें आपकी ओर बह रही हैं। वो अपने दास के द्वारा अपनी वाणी को सच प्रमाणित करता है। आप में से बहुत सारे लोगों को बदरूहों से प्रभु ने आज़ाद किया है। आज आप चंगे हो गए हैं, आप चंगे हो गए हैं, शांति प्राप्त कर आप अपने घर जाएंगे। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से मैं आपको सारी बदरूहों के लश्करों से, हर प्रकार की बेचैनी से, हर प्रकार की अनिद्रा से, हर प्रकार के नशे से,
हर प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हर प्रकार के व्यभिचार, अश्लीलता से, लोभ, लालच से, पेटूपन की दुष्ट आत्मा से, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आपको आजाद करता हूँ। घुटना टेकेंगे, दोनों हाथों को उठाएं। निश्चिंतान दंपत्ति विशेष रूप से प्रभु से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए, पत्नी अपने शराबी पति के लिए प्रार्थना करें, तो पति अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करें, माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, तो बच्चे अपने माता पिता के लिए। मैं तमाम लोगों को याद करता हूँ जिन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है, इस वेदी पर समर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु, जो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह, जिसके अधिकार में सब कुछ है, जो भाग्य पलट सकता है, इस वक्त आपको अपने नूर से मामूर करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तूने अपने पवित्र लहू से इन्हें चंगा किया है, शुद्ध किया है। तेरी इस प्रजा पर दया दृष्टि करने की कृपा कर। हे पवित्र आत्मा, तेरी प्रेरणा पाकर ये सब लोग तेरी हजूरी में उपस्थित हो जाएं। मैं तेरा दास तेरे चरणों में इस वक्त इन तमाम लोगों को समर्पित करता हूँ। अपने धर्म प्रांत को, धर्म पुरोहितों को, धर्माध्यक्षों को, धर्म बहनों, धर्म संगियों को, लोक धर्मियों को, विश्वासियों को जो तुझे नहीं जानते, प्रभु समर्पित करता हूँ। इनके जीवन में अधिकार लीजिए, तेरी महिमा इनके जीवन में हो जाए। तू जो सत्य है, इनका मार्गदर्शन कर, अपने वचन के द्वारा इन्हें चंगाई प्रदान कर। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, रोग शक्तियों बीमारियों से इन्हें आजाद रखे, हर प्रकार की तंगी मुसीबत से, बदरूहों के लश्करों से इन्हें आजाद करे, और तेरी महिमा इनके जीवन में होती जाए। अगर आपके हाथ में कोई भी चीज है जिसे आप चाहते हैं कि वो ब्लेस हो जाए, इस वक्त ये प्रार्थना मैं करूंगा प्रभु के पवित्र नाम से, उसके पवित्र सामर्थ्य से। ये तेल और जल जो आपकी वेदी पर है या आपके हाथ में है, पवित्र लहू बन जाए, जहाँ कहीं छिड़का जाए, यीशु का सामर्थ्य उस जगह पर प्रकट हो, और प्रभु उन तमाम बदरूहों के लश्करों को, हर प्रकार की बुराई को इस पवित्र जल के द्वारा जलाकर राख करें। हे प्रभु, ये जल और तेल तेरा पवित्र लहू बन जाए, इस पर तेरी रूह का दुगना मसा उतरे। जल जीवन का स्रोत है, हे प्रभु यीशु, ये जहां कहीं भी छिड़का जाए, उस जगह पर तेरी शांति और चंगाई आने पाए। यह तेल जो तेरा पवित्र लहू बन गया है, बीमारों की उन हड्डियों पर लगाया जाए जो सूख चुकी हैं, जहां पर प्रभु यीशु चोटें हैं, घाव हैं, दर्द है शरीर में, उस जगह पर लगाया जाए, और तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले। तेरे पवित्र लहू से इनको अभिषेक कर, इन्हें विलेपन कर दे, सिर से लेकर पांव तक तेरी रूह का मसा इनके जीवन में, परिवार में छाया रहे। हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा।
सर्वदा। सर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें सभी आशीषों के लिए। जोरदार बोलिए हल्लेलुया। कितने लोग खुश नहीं है? खुश नहीं है आप? खुश नहीं है? मैंने पूछा कितने लोग खुश नहीं है। अच्छा, आप भी खुश नहीं? बोलो हल्लेलुया। हल्लेलुया। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। क्या है? हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के। हाँ, हमको दुनिया से क्या काम रे, हमको। हाँ, हमको दुनिया से क्या काम रे, हमको जोगी मसीह के। जो जोगी होता है ना, वो लीन होता है प्रभु में, ठीक है? लीन होता है। जो जोगी होता है उसको किसी से मतलब नहीं होता प्रभु में, यानी प्रभु का दीवाना। तो दीवाने बन के गाओ, बुढ़े बन के मत गाओ, दीवाने बन के गाओ, ठीक है? एक बार और, 1 2 को दुनिया से क्या